दोस्तों नमस्कार, मैं रोहितराज मौर्य और आज आप लोगों के साथ फिर से जुड़ चुका हूं रोहितराज चैनल पे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत खास होने वाला आप सभी लोगों के लिए। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कीबोर्ड 91 का जो 20 तारीख का अपडेट था वो आ चुका है। दोस्तों जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि भाई 20 तारीख को अपडेट आने वाला है, तो दोस्तों फाइनली अपडेट आ चुका है। वो अपडेट कहाँ से होगा मैं सारी चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप सिंपली अपना व्हाट्सअप ओपन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे किसी को चैटिंग पे जाइएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो 3 डॉट है इस पे क्लिक करिएगा, ठीक है। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक अपडेट वाला एरो मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो है ना एक तीर का निशान जो दिख रहा है आपको, कॉपी जो कॉपी की तरह बना है, इसके साइड में देखो तीर का निशान दिख रहा है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपको अपडेट करने के लिए बोलेगा, तो मैं तुरंत अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों देखिए अपडेट बहुत फास्ट हो रहा है, टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों फाइनली अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों इंस्टॉल पे हम क्लिक करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद दोबारा इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा हम इंतज़ार कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ गया है, ओपन हम कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों लाइव प्रूफ देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजिंग आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ है। तो चेंजिंग मुझे एक चीज़ देखने को यहाँ पर मिला है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कस्टमर केयर के जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इस पर हम क्लिक करके देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ नया आया है। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका है टिकट बनाने वाला। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप मॉल 91 में टिकट बनाते थे वैसे ही आप यहाँ पे टिकट बना सकते हो। तो चलिए कैसे बना सकते हो वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको पूरी जानकारी। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट पे जब क्लिक करोगे आप, ठीक है, तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों किससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है पहले प्रॉब्लम यहाँ पे लिखनी पड़ती है। तो चलिए हम आप लोगों को दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ आ चुका है नया। तो यहाँ पे आप जब एरो पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों किससे रिलेटेड आपकी कंप्लेन है, रिक्वेस्ट है या कंप्लेन है, ठीक है, तो जो भी है आप यहाँ पे कर लीजिएगा रिक्वेस्ट। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन पे सेम क्लिक करिएगा यहाँ पे एरो के निशान पे, ठीक है, तो इसको भी हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप किससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, पेमेंट से, ऑर्डर से, जो भी है यहाँ पे कर लेना, अदर्स जो भी करना है कर लेना। करने के बाद तीसरे वाले ऑप्शन पे भी वैसे ही सेम क्लिक करना यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे लोकल 91 कोरियर ये सब सारी चीज़ें से तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इस टाइम, तो जिससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम होगी यहाँ पे आप कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको अच्छे तरीके से लिखना पड़ता है मेन पॉइंट। मतलब अगर आप जैसे अभी बहुत सारे लोग पैसे से रिलेटेड पूछ रहे हैं तो यहाँ पे लिख देना कि सर मेरा पैसा नहीं आ रहा है, जो भी है डेट लिख देना कि सर मेरा पैसा नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे इतना प्रॉब्लम लिखना, मैं इतने तारीख को पैसा ट्रांसफ़र किया था, आज इतनी तारीख हो गया ये नहीं आ रहा है, ठीक, जो भी होगा जो भी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप लिखना, ऐसा नहीं कि पैसे के ही बारे में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी विस्तार तरीके से लिखना कि सर मेरी ये चीज़ थी प्रॉब्लम, मैंने ऑर्डर लगाया था तो ऑर्डर नहीं आया, या आप सामान खरीदे थे, जो भी चीज़ था कीबोर्ड 91 में, ठीक है, वो आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो आप चाहे तो अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो नीचे सबसे दिया है कस्टमर केयर का नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे नीचे दोस्तों देख सकते हो कस्टमर केयर का नंबर दिया है, आप कस्टमर केयर में कॉल करके भी बात कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दिया है तो 10 बजे से 7 बजे तक कस्टमर केयर में आप बात कर सकते हो। उसके बाद टिकट, यहाँ पे लिखा है क्रिएट टिकट, जैसे ही करोगे तो आपका टिकट बन जाएगा आईडी, और ये कंपनी आपका टिकट आईडी देखेगी, रिक्वेस्ट आपका देखेगी, उसके बाद आपको मैसेज ज़रूर करेगी। तो दोस्तों आज का यही अपडेट नया आया है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार अपडेट है। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी धन्यवाद।